चुड़ैल बचेगी या मरेगी। आधी रात का समय था, बहुत जोरों की आंधी चल रही थी। आंधी की वजह से चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी एक 8 साल का भूतिया बच्चा अपने ही जैसे एक रोहन नाम के बच्चे का पैर पकड़ के तेज आंधी में रेलवे स्टेशन की तरफ उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, सबके सबको मार दूंगा, जो मेरे साथ हुआ वो अब सबके साथ करूंगा, कोई नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी क्या गलती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सबको मार दूंगा। भूतिया बच्चा रोहन के हाथ पैर पटरी पर बांध देता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रेन आ रही होती है। रोहन अपनी जान की भीख मांगता है, इतने में ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक अतुल नाम का लड़का अपनी माँ सरोज और अपने पिता अनिल के साथ रहता था। अतुल 8 साल का था और वो बहुत ही चंचल था। उसके कई दोस्त भी थे जिनके साथ वो बहुत खेला करता था। एक दिन अतुल कीचड़ में सना हुआ घर पर आता है, जिसे देखकर उसकी माँ सरोज उससे कहती है, अरे बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, जरा देखो तुम्हारी वजह से पूरा घर भी गंदा हो गया है, तुम रोज घर की सफाई को खराब कर देते हो। अरे माँ तुम जब देखो मुझे डांटती रहती हो, अब क्या मैं खेलूं भी नहीं। अरे भगवान क्यों डांट रही हो मेरे राजकुमार को, आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। जाओ बेटा तुम अपना मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारी माँ को संभालता हूँ। अतुल अपने हाथ पैर धोकर आ जाता है, इतने में सरोज उसको खाना दे देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब अतुल स्कूल में पहुंचता है तो कुछ बड़ी क्लास के लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन अतुल उनसे भी ज्यादा शरारती था, इसलिए उसने चालाकी से उन चारों लड़कों को स्कूल के गेट पर बांध दिया। देखा तुम लोग मुझे परेशान करने चले थे, मैंने तुम्हें इस गेट पर बांध दिया। अतुल उन चारों को चिढ़ाता है और अपना ठेंगा दिखाकर क्लास में भाग जाता है, जिसके बाद वो चारों लड़के अपने क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद वे चारों स्कूल के बाहर अतुल का इंतजार कर रहे होते हैं। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, इसकी वजह से हमें टीचर ने मारा था, आज तो ये गया। वो चारों के चारों अतुल के पीछे भागने लगते हैं। अतुल भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो चारों उसे पकड़ लेते हैं और एक रेल की पटरी पर बांध देते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। चिंता मत कर, कुछ ही देर की बात है, वैसे भी यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आती, कुछ ही देर में हम तुझे खोल देंगे, इससे तुझे अच्छा सबक मिलेगा। तभी वहाँ पर एक गार्ड सीटी मारने लगता है, जिसकी आवाज सुनते ही उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे अरे लगता है किसी ने हमें देख लिया, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे, वैसे भी इसे कोई ना कोई तो यहाँ पर आकर खोल ही देगा। वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उस दिन उस पटरी पर पहली बार कोई ट्रेन चलने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। सामने से एक बहुत तेज ट्रेन तेजी से चली आ रही होती है। अतुल बहुत डर जाता है और रोने लगता है। इतने में ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो मर जाता है। मरने के बाद वो एक भयानक भूत बन जाता है। क्या कसूर था मेरा जो इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया, मैं अब इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा और सबको मार दूंगा। अतुल के मन में बदले की भावना आ जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले उन चारों बच्चों को एक साथ पकड़कर उसी पटरी पर ले आता है और उन चारों को पटरी से बांध देता है। तुम चारों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। अरे शरारत का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जिंदगी उससे छीन लो। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि वहाँ पर ट्रेन आने वाली है, ये सब एक अनहोनी थी। हाँ दुल भाई, कई सालों से उस पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आई थी, लेकिन उस दिन पता नहीं उस पटरी पर ट्रेन कैसे आ गई। चुप करो तुम सब, आज तुम्हारी मौत का दिन है और आज मैं तमाशा देखूंगा जैसे तुमने देखा था। इतने में सामने से एक ट्रेन बहुत तेजी से आती है, जिसके बाद वो ट्रेन उन चारों बच्चों के ऊपर चढ़ जाती है।
और उन चारों बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद भूत धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों को मारने लगता है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गांव के सभी बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, पता नहीं कौन उन्हें गायब कर रहा है। कल रात से मेरा बच्चा गायब है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। मुखिया जी, जल्दी से इस समस्या का समाधान करो, नहीं तो गांव के सभी बच्चे गायब हो जाएंगे। हमें इसका पता लगाने के लिए आज रात चौकन्ने रहना होगा। हम एक जाल बिछाएंगे जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हरकत किसकी है। गांव का मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक बच्चे को बाहर खेलता हुआ छोड़ देता है और बाकी के गांव वाले छुपकर एक ही कमरे में उस बच्चे पर नजर रखते हैं। आधी रात हो जाती है और जोर शोर से बारिश होने लगती है। तभी रेलवे स्टेशन से एक बच्चा जो कि बहुत ही भयानक भूत होता है वो उस बच्चे के पास आता है और उसे बेहोश करके उसके पैर में एक रस्सी बांध देता है और उसे खींचता हुआ रेलवे स्टेशन की पटरी तक ले जाता है जहाँ वो उसे पटरी पर बांधने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग अपने हाथों में मशाल लिए रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मरेंगे, सबके सब बच्चे मरेंगे। तभी मुखिया हाथ में मशाल लिए उस भूतिया बच्चे से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तभी सामने से एक ट्रेन आने लगती है। बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। देखो सामने से ट्रेन आ रही है, तुम्हें इन बच्चों की जान लेकर क्या मिल रहा है? मुखिया की बात सुनकर भूतिया बच्चा अपने साथ हुई पूरी दुर्घटना के बारे में मुखिया को बताता है, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो भी बहुत ही गलत है। तुम मासूम बच्चों की जान ले रहे हो, वो भी बिना उनकी गलती पर। तुम इन बच्चों को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। भूतिया बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो उस बच्चे की रस्सी खोल देता है और उसे वहां से हटा देता है और खुद ट्रेन के पटरी पर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी जान तो चली गई लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए हम सब ये मशाल तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपनी मशाल भूतिया बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, जिसके बाद उसकी आत्मा जलने लगती है। इतने में सामने से ट्रेन आ जाती है जिसके बाद भूतिया बच्चा वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही गांव के सभी बच्चे एक एक करके जिंदा हो जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।